कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे? तो पहले डिफाइन क्या कैसे करोगे? इट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर along a direction, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो पा रही है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। थोड़ा सा एग्जांपल से एक समझ करके हम लोग देखते हैं। चलो पहले इसको लिख लो, कंप्लीट कर लेते हैं। मैथमेटिकली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along a direction making angle theta is given by a cos theta। ये हो गया फॉर्मूला। आपको इसको समझने का प्रयास करो। हम लोग तीन केस लेकर के चलते हैं। कोई मास m रखा हुआ है हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस पर, दूसरे केस में भी m रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पर, तीसरा केस में भी रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पर, ठीक है। पहला केस में हमने फोर्स हॉरिजेंटल लगाया, ध्यान देना, पहले केस में मैंने फोर्स को हॉरिजेंटली लगाया, तो क्या होगा? इस फोर्स का 100% इफेक्ट हॉरिजेंटल में होगा, वर्टिकल में इफेक्ट कितना होगा? जीरो, क्योंकि वर्टिकल में कुछ इसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। दूसरे केस में अगर हम लोग वर्टिकली लगाते हैं तो इसका हॉरिजेंटल इफेक्ट कितना होगा? 0%, क्योंकि ये पूरी तरह से ये फोर्स क्या लग रहा है? वर्टिकल लग रहा है। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इफेक्ट कितना होगा? 100%। अब यही अगर इंक्लाइंड में हम लगाएं, इंक्लाइंड वे में, तो इसका कुछ इफेक्ट हॉरिजेंटल भी होगा और कुछ इफेक्ट वर्टिकल भी होगा, है ना। तो अब थोड़ा सोचो, जब हॉरिजेंटल में लग रहा था तो 100% हॉरिजेंटल में है, मतलब हॉरिजेंटल से एंगल कितना बना रहा है? 0 डिग्री। तो f cos 0 100%। अच्छा, वर्टिकल से एंगल क्या बना रहा है? 90 डिग्री, है ना। तो इधर कंपोनेंट कितना हो गया? f cos 90, मतलब 0। अब वर्टिकल लग रहा था तो fy क्या कहेंगे? f cos 0, क्योंकि वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है? 0। लेकिन हॉरिजेंटल से एंगल कितना बना रहा है? 90 फिर से। तो fx क्या लिखेंगे? f cos 90, विच इज 0, नो हॉरिजेंटल इफेक्ट। अब यहाँ पर मान लो कि ये हॉरिजेंटल से एंगल थीटा बनाता है, तो fx क्या लिखोगे? f cos थीटा। तो दिस इज वाई वी हियर कॉल्ड इट a cos थीटा। तो किसी भी वेक्टर a का, कोई a वेक्टर है, हमको इस डायरेक्शन में मान लो कि कंपोनेंट निकालना है, इसका इफेक्टिव वैल्यू देखना है कितना होगा, और ये इस डायरेक्शन से एंगल थीटा बनाता है, तो इधर इफेक्टिव वैल्यू कितना होगा? वेरी सिंपल, किसी भी डायरेक्शन से। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कुछ? चलो लिख लो इसको। अच्छा, यूनिट वेक्टर में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था कि स्टैंडर्ड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर तो प्री डिफाइंड होता है, पता है ना? सॉरी, यूनिट वेक्टर जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है? एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होगा उसको आई कैप से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर की बात करूं तो उसको जे कैप से डिनोट करेंगे, एंड जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या से डिनोट होगा? के कैप से। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इधर आई कैप से डिनोट करते हैं, जे कैप से, इधर के कैप से, ठीक है। बीच में मैं डालना पड़ा क्योंकि अभी हम लोग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर देखेंगे तो उसमें ये टर्म यूज होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल थोड़ा समझ लो, इसका मतलब क्या हुआ? आपसे बोल दिया कि 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस,
तो रिप्रेजेंट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, आपको रिप्रेजेंट करना है फोर्स को, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एफ इज रिप्रेजेंटेड बाई नथिंग बट मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन और डायरेक्शन किधर है जेड एक्सिस, तो के कैप। क्लियर हुआ? आपसे बोल दे कि राम ट्रेवल्स ट्वेंटी मीटर अलोंग एक्स एक्सिस एंड देन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्स 30 मीटर अलोंग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट हिज डिस्प्लेसमेंट उसका डिस्प्लेसमेंट आपको रिप्रेजेंट करना, कैसे करोगे थोड़ा सोचो। तो पहले बोल रहा है कि 20 मीटर किधर चला है एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो आर इज इक्वल टू हो गया आपको 20 आई कैप, 20 मीटर चला है एक्स एक्सिस का लॉन्ग और किधर चला है 30 मीटर चला है वाई एक्सिस का लॉन्ग, तो प्लस 30 मीटर अलोंग वाई एक्सिस हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? 20 मीटर एक्स एक्सिस का लॉन्ग चला तो 20 आई कैप, एक्स एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या था आई कैप, और उसके बाद वो वाई एक्सिस का लॉन्ग 30 मीटर चला है तो 30 जे कैप, बस हो गया। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। ओके, कमिंग बैक टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो पहला आ जाओ 2D कंपोनेंट, तो 2D कंपोनेंट की बात पहले करूंगा। तो मान लो स्टैंडर्ड एक्सिस लेता हूं, x और y दिया हुआ है, कोई वेक्टर है a, हाँ, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, एक एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है मान लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताओ ये वेक्टर इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा और वाई कंपोनेंट कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो हम लोग बोलेंगे कि ए एक्स इज नथिंग बट ए कॉस थीटा। अच्छा, ए कॉस थीटा है क्या? तो ध्यान दो, अगर ए से परपेंडिकुलर डाल दें, ए से एक अगर नॉर्मल आप डाल दो एक्स एक्सिस पर, ये आपका एंगल 90 डिग्री है, ध्यान देना, हम लोग एक्स एक्सिस पर अगर एक नॉर्मल डाल दें, हाँ, तो बेस का वैल्यू कितना होगा? मान लो कि ये अगर ए एक्स में बोलता हूँ और ये हमारा लेंथ ए है, तो कॉस थीटा कितना बोलते हैं? कॉस थीटा इज नथिंग बट ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स इज व्हाट? ए कॉस थीटा। मतलब यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है उसका बेस जो है दिस इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको और ये लेंथ और कैसे निकाल सकते हैं? तो ध्यान दो, यहाँ से अगर वर्टिकली आप वर्टिकली ऐसे अगर लाइट मारो, थोड़ा समझो बात को, ऐसे अगर हम लाइट फॉल करवाते हैं तो ये जो इंक्लाइंड वेक्टर है उसका लेंथ कितना, उसका इमेज लेंथ कितना बनेगा, सोच के बताओ। हम वर्टिकली अगर डाउनवर्ड लाइट मारें तो इमेज लेंथ कितना बनेगा? यही तो बनेगा। आई बात समझ में? तो ये इमेज लेंथ इज नथिंग बट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या इसको हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं, देखो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी ऑल्सो कहते हैं। आई बात समझ में? सिमिलरली वाई कंपोनेंट, मतलब वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन करना होगा, लाइट इधर से मार दो तो आपको y प्रोजेक्शन आ जाएगा, तो y एक्सिस पर लेंथ ऐसे आएगा, ध्यान दो, फिर से यहाँ पर हम लोग नॉर्मल डाल दिए मान के चलो, तो और ये जो लेंथ हुआ दिस इज योर ए वाई, और ए वाई कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल कितना है, ये थीटा हुआ तो कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो इधर प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, ए वाई हम लोग बोल सकते हैं ए वाई इज नथिंग बट ए कॉस 90 माइनस थीटा, एंगल 90 माइनस थीटा है कंपोनेंट का फॉर्मूला से चले तो, और ये कितना हो जाएगा, तो
वेक्टर ए का, समझना इस बात को बहुत केयरफुली समझने की बात है, वेक्टर ए जो कि एक्स और वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, इसका दो इफेक्ट है, दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट है और एक ए वाई कंपोनेंट है। तो हम लोग ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, ए एक्स आई, ए एक्स कंपोनेंट किधर था, एक्स एक्सिस को लो, और प्लस ए वाई जे, क्यों, ए वाई कंपोनेंट किधर था, वाई एक्सिस को लो। सो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इन कंपोनेंट फॉर्म ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में यही इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसका वैल्यू डाल दे दो, वहाँ डाल दो, तो a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, देखेंगे समझना, a x था कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, तो अलोंग x एक्सिस का यूनिट वेक्टर डाल दिया साथ में, ay था कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, तो उसके अलोंग y एक्सिस का डायरेक्शन डाल दिया। अब ए एक्स और ए वाई का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको पुट कर दिया, ए एक्स कितना था, ए कॉस थीटा डाल दिया, ए वाई कितना था, ए साइन थीटा डाल दिया, तो ये हो गया कितना, ए बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब याद करो, हमने बोला था कि वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटू ए कैप, फिर ए इज वॉट मैग्नीट्यूड एंड ए कैप इज वॉट डायरेक्शन। यहाँ पर ध्यान दो, ए बाहर आया तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन। तो ए कैप का फॉर्मूला अभी हमें आ गया कितना, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ए का डायरेक्शन आ गया ठीक है, क्लियरली समझ में आया, चलो इसको लिख लो। ध्यान दो, अब हमने ये तो बोल दिया कि ए यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दे दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो ध्यान दो, यहाँ पर ये लेंथ क्या है, ए एक्स, हाँ, और ये लेंथ क्या है, ए वाई, देख लो, तो ये ए वाई है और ये ए एक्स है, और ये क्या है, ए लेंथ ऑफ वेक्टर है, हाँ। तो पाइथागोरस थ्योरम से मान लो हम ये ओ दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको एन देता हूँ, तो इन ट्रायंगल ओ ए एन, चाहे इसको पी कर दो कन्फ्यूजन ना हो, ओ पी क्यू कर दो, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, हमारा ओ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। नाउ ओ पी इज व्हाट, OP is nothing but the vector length A, तो मैग्नीट्यूड है। OQ कितना है, OQ क्या है, AX, और PQ कितना है, AY। तो यहां से A का फॉर्मूला आ गया, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A ठीक है। ऑफ वेक्टर ए अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर है, चलो लिख लो। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, राइट द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। आपको दिया हुआ है ए, दिया हुआ है 5 यूनिट एंड थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड वेक्टर लाइज इन पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन। ये दिया हुआ है आपको, क्या करोगे, थोड़ा सोच के बताओ जल्दी से। ध्यान दो, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट है,
इसका एंगल कितना दिया हुआ 37 डिग्री। तो ए एक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, एक्स वाई प्लेन में लाई कर ही रहा है, ए एक्स हो गया आपको कितना 5 cos 37, मतलब कि 5 × 4/5, दिस इज योर 4। ए वाई कितना लिखोगे, 5 sin 37, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो यहाँ का 3। तो ए को क्या लिखेंगे बताओ फटाफट, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये हो जाएगा आपको कितना 4 i में है और 3 j में है। आपसे पूछा जा सकता था इसमें व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, व्हाट इज द डायरेक्शन, हाँ ठीक है, अच्छा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे हम लोग अभी ए कैप का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताओ, कॉस थीटा आई, ये ध्यान देना कॉस थीटा आई कब लिखेंगे, जब एक्स एक्सिस एंगल बनाए, अगर वही वाई एक्सिस से बनता तो कॉस थीटा जे कैप लिख रहे, आगे बात समझ में। और इतना नहीं समझ में आया भाई तो हम लोग फॉर्मूला से चलते हैं, ए हमको पता है कितना 5 और ए कितना है 4i + 3j, बस ए कैप का फॉर्मूला क्या था, ए अपॉन ए डिवाइड कर दो 4i + 3j / 5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4/5i + 3/5j, ये हो गया आपका ए कैप। आई बात समझ, देख ली, हाँ जस्ट, हाँ जैसे आपसे क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, आपको दे दिया है बी वेक्टर दे दिया है 5j + 12k, बोल रहा है फाइंड बी एंड बी कैप, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और डायरेक्शन पूछ रहा है। तो पहला बात बी कितना होगा बताओ, हम लोग पढ़े थे क्या कोफिशिएंट जे और के, अच्छा ये वेक्टर किस प्लेन में लाई कर रहा है पहले बताओ, ये वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, वाई एंड जेड प्लेन में, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितना होगी 5² + 12² विच इज नथिंग बट 13, ठीक है। सो दिस इज योर 13 यूनिट, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर डायरेक्शन की बात करें बी कैप की बात, तो बी कैप कितना होगा वेक्टर बी डिवाइडेड बाई बी विच इज इक्वल टू नथिंग बट 5/13i + 12/13 j, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत प्रैक्टिकल है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना होगा, इजी टोके कंपोनेंट कुछ क्लियर हुआ, कुछ हम लोग क्वेश्चन होमवर्क ले लेंगे, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको बना लोगे, आज के लिए इतना ही, ओके चलो बाय।